विज्ञान दिवस के अवसर पर प्रथम शिक्षा संस्था और नागपुर महानगर पालिका उत्तर नागपुर पीली नदी की स्कूलों ने मिलकर एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया। आरसीआर टीपू सुल्तान चौक साई कृपा मंगल कार्यालय के सामने एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 150 बच्चों ने हिस्सा लिया और विज्ञान के 25 प्रोजेक्ट्स रखे। आयोजित इस प्रदर्शनी को अभिभावकों ने देखा। लोगों से बातचीत में प्रथम संस्था की शहर कोऑर्डिनेटर आयशा खान ने संस्था द्वारा चलाए जा रहे गरीब बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए संस्था के कार्यों को सामने रखा। इसी अवसर पर बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के संकल्प पर शहर में जनसंपर्क कर रहे डॉक्टर शकील अहमद जहांगीर ने बच्चों के प्रोजेक्ट देखे और उनसे बातचीत की और इस दौर में विज्ञान की अहमियत को बच्चों को समझाया। आपको बता दें कि प्रथम संस्था और महानगर पालिका द्वारा संवैधानिक मूल जिम्मेदारी निभाने के लिए शिक्षिकाओं और प्रथम संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों को सराहा गया है और उनमें अपने योगदान का भरोसा दिया। अबरार खान ने भी प्रथम संस्था के जिम्मेदार शिक्षिकाओं और बच्चों से बातचीत की। प्रथम संस्था की ब्लॉक हेड ट्रेनर पूर्णिमा धवाली तथा वनीता सोनवा ने, अनोमा लोखंडे, अलका जाम्भोरे ने इसमें अहम भूमिका निभाई। गरीब नवाज स्कूल नंबर 1, गरीब नवाज स्कूल नंबर 2, शहीद अब्दुल हमीद स्कूल यशोधरा नगर की शिक्षिकाओं में हेड मिस्ट्रीज शगुफ्ता अंचुम, फहमीदा बेगम, महजबीन तबस्सुम, रुखसाना अफसर, अनीस बानो, सारा सदफ, गंगोत्री और रेखा ने बच्चों के मार्गदर्शन में हिस्सा लिया। और भी स्कूलों के बच्चे इस भव्य विज्ञान प्रदर्शनी में शामिल हुए थे। अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम रहमिदा बेगम है और मैं गरीब नवाज स्कूल नंबर 2 से पार्टिसिपेशन के लिए आई हूं। मैं रुखसाना अफसर मुशर्रफ, गरीब नवाज स्कूल नंबर 1 से, और बच्चे भी आए हैं पार्टिसिपेट करने। मेरा नाम मैजुलिन तबस्सुम, गरीब नवाज उर्दू अपर प्राइमरी स्कूल नंबर 2 से। मेरा नाम अनीस बानो है, मैं शहीद जर्दून अली दुर्गो अपर प्राइमरी स्कूल से अपने बच्चों को इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट के लिए। इस तरह के जो कार्यक्रम है वो शहर में ऑर्गेनाइज होते रहना चाहिए ताकि इस तरह की स्कूलों में भी बच्चों में, देश के जनता में साइंटिफिक टेम्पर। इन बी सी न्यूज के लिए रूपा पंडित, ब्यूरो रिपोर्ट।